भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड और लबुशेन ने भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों पर शानदार 137 रन की इनिंग्स खेली। लबुशेन ने 58 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 43वें ओवर में हदफ पूरा किया। मिशन वर्ल्ड कप हुआ मुकम्मल। जीत की खुशी में कैंगरूज ने खूब जश्न मनाया। ट्रॉफी के साथ खूब हल्ला गुल्ला। रोहित शर्मा 11 का गुरूर खाक में मिलाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय सूरमा 240 रन पर ही ढेर हो गए। ओपनर शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट। कप्तान रोहित शर्मा ने 31 गेंदों पर 47 रन बनाए। कोहली 54 रन बनाकर वापसी की राह लिए बने। राहुल के 66 रन के बाद पेविलियन वापसी। सूर्या कुमार यादव 18, रविंद्र जडेजा 9, मोहम्मद शामी ने 6 रन बनाए। शरियाज सैयद ने 4 रन स्कोर किए। जसप्रीत बुमराह ने 1 रन बनाया। कुलदीप यादव 10 और सिराज ने 9 रन बनाए। शिकस्त पर भारतीय खिलाड़ी रो पड़े। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी भारतीय टीम को आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने कोहली की तस्वीर शेयर की और लिखा, वक्त से पहले खुशी मत मनाओ। एक और भारतीय सारिफ ने हमसाया मुल्क से एम्बुलेंस और ब्लड प्रेशर की अद्वियात भेजने की अपील की। बाद सारिफीन ने नरेंद्र मोदी को भारत के लिए शिकस्त का साइन करार दिया। किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हों और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। निगरान वजीर आजम ने एक बार फिर वार्निंग दे दी। एक टीवी इंटरव्यू में अनवारुल हक काकर ने कहा, दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर की बीखकुनी करना रियासत की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफगान हुकूमत जानती है TTP कहां बैठी है। TTP वस्त एशियाई रियासतों में नहीं, अफगान सरजमीन पर मौजूद है। मुजाकरात सिर्फ हथियार डालने वालों से मुमकिन है। बंदूक की नोक पर कोई रियासत को मजबूर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहते हैं, मुल्क शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मुल्क में इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, 2018 के RTS इलेक्शन का खुमियाजा आवाम आज तक भुगत रहे हैं। 2018 में एक प्रोजेक्ट तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नून लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के आइंदा 5 साल के लिए एक बार फिर अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। JUI की जनरल काउंसिल इजलास में मुल्क भर से अराकीन ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में जारी मुहिम का जायजा लिया गया। गजा में इसराइली जारहियत जारी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में मुजाहरा। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लातिनी अमरीका के मुल्क चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में सदारती महल के बाहर भी सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती के लिए हजारों लोग सड़कों पर आ गए। इस्लामी ममालिक इसराइल को तवानाई और दीगर अशिया की बरामदात बंद कर दें। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुतालिबा कर दिया। आयतुल्ला खामनाई ने जोर दिया कि इस्लामी रियासतों को सिहोनी हुकूमत से सियासी ताल्लुकात खत्म करने चाहिए। अक़वामे आलम को अपना एहतजाज जारी रखना होगा। अस्पतालों घरों में दाखिल होना कोई कामयाबी नहीं। सिहोनी हुकूमत की नाकामी अमरीका और मगरबी ममालिक की भी नाकामी है। इसराइल शैतानी रियासत है। गजा के बच्चे पूछते हैं, मुसलमान ममालिक हमारी मदद को कब आएंगे। लाहौर में जमात इस्लामी का गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हमारा यकीन था वो ऐसी गजा के मामले पर कोई लाहे अमल देगा, लेकिन सिर्फ तसल्ली दी गई। आज का इज्तिमा दुश्मन को पैगाम दे रहा है कि फलस्तीनी तनहा नहीं।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर फजाई आलूदगी का शिकार। हुकूमत पंजाब ने एक हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समाजी राबते की वेबसाइट पर आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील करते रहे। मोहसिन स्पीड के साथ मुल्तान में भी तरक्की का सफर तेजी से जारी। 8 साल से तातुल का शिकार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तौसी मंसूबा 5 माह में मुकम्मल। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने तौसी प्रोजेक्ट के OPD और इंडोर ब्लॉक का अफ्तिताह कर दिया। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 152 बेड की सराय का संगे बुनियाद भी रख दिया। कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी की अपग्रेडेशन और बेड्स की तादाद 60 से 120 करने का ऐलान। कहा निश्तर 2 भी मुकम्मल होने के मराहल में है। मुल्तान में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चिल्ड्रन हस्पताल पहुंच गए। जारी तौसी प्रोजेक्ट का दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जारी तौसी प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियों और मयार का जायजा लिया। वजीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल तौसी प्रोजेक्ट 20 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का निश्तर 2 मुल्तान का भी दौरा। कमिश्नर मुल्तान वाइस चांसलर ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब की प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। गुजरांवाला में मोहसिन स्पीड काम कर गई। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हस्पताल सिर्फ 6 माह की कलील मुद्दत में तैयार। जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता चिल्ड्रन हस्पताल मुकम्मल फाल कर दिया गया। और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चकवाल मदरसे में ज्यादती से मुतासरा बच्चे के घर आमद। वालिद से मुलाकात करके मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। कहा कि मुतासरा बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बच्चों को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। IG को टास्क दे दिया गया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी अपना काम करेंगे।